हेलो क्लास फोर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर हिंदी शिखर हिंदी की पाठ्य पुस्तक पार्ट तीन अभ्यास का महत्व। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। स्टूडेंट्स, आप सभी ने सुना होगा कि जब हम कोशिश करते हैं तो हमारा हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो इस लेसन में भी कुछ ऐसा ही है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम था वरदराज। तो बात उन दिनों की है जब लोग विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरुओं के आश्रम जाया करते थे। इस समय के बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। जब लोग बच्चे जो थे आश्रम जाते थे, तो जब वरदराज थे वो 5 वर्ष के हुए तो उनको भी उनके पिता ने आश्रम भेजा। आश्रम में गुरुजी जो हैं अन्य बालकों के साथ उनको भी पढ़ाने लगे। पर वरदराज जो थे उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो वहाँ जो आश्रम के बच्चे थे उन्हें मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। उसका असर कुछ ऐसा हुआ कि वरदराज जो थे वो ये सोचने लगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ। वो निराश हो गए। इसी कारण से उनके जो गुरुजी थे वो भी वरदराज को बार 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 सीख देने के बाद भी जब वरदराज कोई भी चीज़ ना सीख सका तो निराश हो गए। और निराश होकर उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारे वश की बात नहीं है, मुझे जितना प्रयास करना था मैं कर चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि विद्याधन तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपने घर चले जाओ, वहाँ का काम काज देखो। अब वरदराज बड़े असमंजस में पड़ गया, बड़े चिंता के भाव में आ गया। उसे लगने लगा कि मेरा जो है भविष्य बिल्कुल कैसा हो गया है, अंधकारमय है ना। अब घर जाऊंगा तो घर पे पिताजी क्या सोचेंगे, जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ के लोग मुझे महामूर्ख कहेंगे। फिर भी उसने बड़े अनमने से भाव से बिना मन के अपने सामान को समेटा और अपने आश्रम से सारा सामान लेकर चलता बना। सवेरे से चला था, दोपहर हो गई, खाने के लिए गुरुजी ने थोड़ा सत्तू दिया, वह भूख प्यास तो लगी गई थी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए जैसे ही कुएं पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे रस्सी की रगड़ से कुएं की जगत पर निशान पड़े दिखते हैं। जगत मीन्स होता है बेटा जो कुएं का किनारा होता है उसे जगत बोला जाता है ना। तो उस जगत पर रस्सी के निशान उसको दिखे और जहाँ पर जमीन पर गड्ढे दिखे वो घड़ों के निशान दिखे। अब जैसे ही उसने ये दृश्य देखा तो उसने यह विचार करा कि जब एक पत्थर पर एक रस्सी के निशान पड़ सकते हैं रगड़ खाने से, तब फिर मैं बार बार मेहनत करूँगा तो मुझे विद्या क्यों नहीं आएगी, मैं विद्वान क्यों नहीं बन सकता। बस जैसे ही उसने ये सोचा तो उसके मन में आशा की किरण जग उठी। वह गुदगुदाने लगा कि मैं भी परिश्रम करूंगा, अपने पाठों को मन लगाकर बार बार पढ़ूंगा, देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती है। वरदराज ने कुएं पर हाथ मुंह धोए और गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। सभी चिंताओं से मुक्त होकर भूख प्यास की बिना चिंता करे तेज कदम से वह अपने आश्रम की तरह लौट चला। सूर्यास्त होने को था। गुरुजी आश्रम में टहल रहे थे तभी उन्होंने वरदराज को देखा। उनको लगा कि वरदराज का कोई सामान शायद आश्रम में छूट गया है, तो वरदराज उसी सामान को लेने के लिए आए हैं। वरदराज ने गुरुजी के पास पहुंचकर उनके चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारा कुछ सामान छूट गया जिसे लेने तुम्हें लौटना पड़ा। वरदराज नम्रतापूर्वक बोला, हाँ गुरुजी, मेरी विद्या यहीं छूट गई है जिसे इस बार मैं अवश्य लेकर जाऊंगा। अब मेरी आँख खुल गई है, मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा, अब कभी आपको निराश होने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पसीज गया। दिल पसीज गया मतलब उनको दया आ गई। उन्होंने वरदराज को गौर से देखा, उसकी आँखों में चमक थी। गुरुजी ने इतना भर ही कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो यदि उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वरदराज ने पढ़ाई प्रारंभ की। अब तो भूख और नींद का पता ही नहीं चलता, बहुत देर रात तक पढ़ने लगा और प्रातः सबसे पहले उठ जाता, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाता। उसने दिन रात एक कर दी। इसका प्रभाव यह हुआ कि पहले पाठ याद करना उसे पहाड़ चढ़ने के समान कठिन लगता था, वही पाठ जब वो रोज पढ़ने लगा तो उसे सरल लगने लगे।
वरदराज में आए इस परिवर्तन को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अब वरदराज की गिनती प्रतिभावान बच्चों में होने लगी। प्रतिभावान मतलब होनहार बच्चों में उसकी गिनती होने लगी। यह उसकी लगन और कठोर परिश्रम का ही चमत्कार था। जानते हो, यही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने। संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान पाणिनि के बाद वरदराज का ही नाम आता है। तो बच्चों, इस लेसन में यह शिक्षा मिलती है कि अभ्यास से हम कोई भी चीज सीख सकते हैं। तो आप सभी इस चीज को अपने मन में ध्यान रखें, अपने जीवन में धारण करें कि जब भी हम कोई लक्ष्य को लेकर चलें तो उस लक्ष्य के लिए निरंतर अभ्यास करते रहें। ओके, तो कुछ शब्दार्थ आज हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। आश्रमवासी, आश्रम में रहने वाला। मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला, जो किसी चीज़ को जल्दी सीख ना सके। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। प्रयत्न, कोशिश। असमंजस मीन्स उलझन। अनमना, बिना मन के। जगत, कुएं का किनारा। कौंधना, विचाराना। मुक्त, आजाद। स्पर्श करना, छूना। अवसर, मौका। दिल पसीजना, दयाना। गौर, ध्यान। क्षण पल। व्यर्थ, बेकार। परिवर्तन, बदलाव। प्रतिभावान, होनहार। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा और इस अभ्यास का महत्व लेसन से आप सभी ने सीख ली होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।